बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहां इस बात की बहुत शदीद ज़रूरत है कि लोग एहतियात करें, अपने घरों तक महदूद रहें और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, वहीं ये एक अलमिया भी अब सामने आ रहा है कि जब हम गौर करते हैं तो माशरे के 40-50% लोग ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन के नतीजे में जिनके घर की मईशत मुतासर हो जाएगी, खाना पीना मुतासर हो जाएगा, मज़दूरी करने वाले लोग, दुकानों पर काम करने वाले लोग, इसी तरह डेली वेजेस के लोग, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, मैकेनिक की दुकानों पे, हजाम की दुकान पे काम करने वाले लोग, ये सब लोग कहाँ जाएंगे, इनके बच्चे कहाँ से खाएंगे। तो इस सूरत हाल में पूरी कौम को मिलकर अपना जो है फ़र्ज़ अदा करना है, हुकूमत से भी मुतालबा करना है कि उनके पास डोनेशंस हैं, फ़ंड है, उसको सही जगह पर खर्च होना चाहिए। लेकिन इस इंतज़ार में अपने इर्द गिर्द से हम गाफिल नहीं हो सकते। हमारा ये काम है कि हम लोगों को तलाश करें और उन सफ़ेद पोश लोगों तक अपना राशन, अजनास और चीज़ें पहुँचाएँ कि जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। और मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अलखिदमत के फ़ंड में दिल खोल कर हिस्सा लें। अलखिदमत का जो नंबर है 111-503-504 पर रब्ता करके तमाम मालूमात हासिल करें। इस वीडियो के साथ एक अकाउंट नंबर दिया जा रहा है, उसमें अपना हिस्सा डालें। जमात इस्लामी के रज़ाकार, जमात इस्लामी के दफातर, अलखिदमत के हेल्प सेंटर, शहर में 70 से ज़्यादा हमने सेंटर इस कोरोना के हवाले से खोले हुए हैं। इसके हवाले से आप जो है वो इन लोगों से रابطہ कर सकते हैं और इस पूरे काम में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपके पास मौजूद हैं, अल्लाह के रास्ते में दीजिए। आप आज खर्च करेंगे, अल्लाह ताला आपके बलाओं को टालेगा, सदका बलाओं को टालता है। अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपने बच्चों का ख्याल रखेंगे, अल्लाह ताला आपका ख्याल रखेगा। अल-खल्क़ु इयालुल्लाह है, ये मखलूक अल्लाह का कुनबा है, अल्लाह के कुनबे के आप खिदमत में लगेंगे, अल्लाह ताला आपका काम करेगा। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि दिल खोलकर अतियात दें, ज़कात दें, खैरात दें, सदकात दें और अपने लिए आखिरत में इसको महफूज कर लें। बहुत शुक्रिया।